माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार को परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बता दें कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप सेकंड में राजधानी रायपुर की देशबंदी स्कूल की श्रेया अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। TSV 24 न्यूज टीम से बातचीत के दौरान श्रेया अग्रवाल ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2 महीने के बाद रिजल्ट घोषित किए हैं। टॉप आने के बाद श्रेया बहुत खुश है। उन्होंने बताया कि उनके फादर SBI बैंक में सर्विस करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 12वीं में टॉप आने के लिए उन्होंने कोचिंग भी की थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके बड़े भैया भी टॉपर हैं। श्रेया ने अपनी बातें शेयर करते हुए कहा है कि शुरू से ही पढ़ाई में इनकी रुचि रही है। श्रेया ने रायपुर के देशबंधु स्कूल में 12वीं की पढ़ाई की है। उन्होंने 12वीं में टॉपर का श्रेय अपने माता पिता भाई व स्कूल के शिक्षक को दिया है। उन्होंने आगे भविष्य की नीति बताते हुए कहा कि इंजीनियरिंग में उनकी अच्छी रुचि है, आगे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। उन्होंने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को संदेश देते हुए कहा है कि स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे वे सभी अपने माता पिता व शिक्षक भाई बहन व अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट उम्मीद नहीं की थी पर आया तो बहुत खुशी हो रही है। 12वीं में टॉप करने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी? मैंने कभी बोर्ड के स्पेसिफिकली पढ़ाई नहीं की। मेरा फोकस कॉम्पिटिटिव क्लियर करना था तो मैं उसी की तैयारी करते रही। बोर्ड की तैयारी उसके साथ ही मेरी हो गई और मुझे बस एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। 12वीं में टॉप किया आपने, इसके लिए कोचिंग भी की थी आपने? मैंने कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ली थी, 12वीं बोर्ड के लिए स्पेसिफिक कोई कोचिंग नहीं ली थी। 12वीं में आप टॉप किए हैं, श्रेय आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। 12वीं में आपने टॉप किया है श्रेय, तो आगे आपकी क्या सोच है, मतलब क्या कुछ जो भविष्य का क्या कुछ सोच होगी आपकी? मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपका एम चाहे जो भी हो, आप उसके प्रति ईमानदार रहे और अपनी मेहनत पूरी करें। कैमरा पर्सन S. गणेश के साथ नितिन नामदेव की रिपोर्ट।